उधर बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति अब तक बन नहीं पाई है। दोनों ही पार्टियां अपनी मनपसंद सीट चाहती हैं। आरजेडी के कई नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। अब ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बात हो सकती है, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवारों को सिंबल दिए जाने से कांग्रेस पहले से ही खफा है, जो कि सीट बंटवारे में दिक्कत की एक बड़ी वजह भी बन सकती है। और वही सीट बंटवारे पर आरजेडी का आरोप है कि कांग्रेस जरूरत से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और इसी वजह से सीट शेयरिंग में दिक्कत सामने आ रही है। आरजेडी का दावा है कि उन्हीं के कंधों पर ही बिहार में महागठबंधन को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है, जबकि कांग्रेस की मांग है कि सीट बंटवारे में सभी पार्टियों की सम्मानजनक हिस्सेदारी हो और तभी मिलजुल कर चुनाव लड़ा जा सकता है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कह दिया है कि कांग्रेस की सोच है कि सम्मानजनक ढंग से गठबंधन हो जिसका कि लाभ सभी को मिले। कांग्रेस पार्टी भी जरूरत से ज्यादा मतलब आपसी जा रहे हैं। आधार जो है सबसे मजबूत आधार महागठबंधन में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का ही है। अब उसी के ताकत के सहारे उसी के कंधे पर जो है महागठबंधन को निकलना है। जब गठबंधन की बात होती है तो हर पार्टी जो गठबंधन में मौजूद है या शामिल है उनकी कोशिश ये होती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिले। ये बट नेचुरल है, कोई नहीं चाहेगा कि हम कम शेयर हम लें, तो उनका सोचने का अंदाज़ दूसरा हो सकता है, लेकिन हम लोगों का ये है कहना कि कम से कम से एक सम्मानजनक ढंग से गठबंधन हो और जिसका लाभ सबको मिले। और चलिए अब जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि कांग्रेस को पिछली बार कौन कौन सी 9 सीट मिली थी और इस बार आरजेडी कौन सी 8 सीटें कांग्रेस को देना चाह रही है। देखिए, वाल्मीकि नगर, सुपौल, कटिहार, इसके अलावा समस्तीपुर और पटना साहिब, ये 2019 में कांग्रेस कोटे की सीटें थी। किशनगंज भी इसी में शामिल था। इसके अलावा किशनगंज के अलावा अगर आगे हम बात करें तो वो सासाराम, पूर्णिया और मुंगेर थी। अब इसमें कुछ हेरफेर किया गया है। इस बार बेतिया ऑफर की जा रही है। सासाराम, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, समस्तीपुर, पटना साहिब, ये तो कांग्रेस को दी जा रही है। इसके अलावा बेतिया, कटिहार, नवादा। तो पिछली बार 9 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, एक पर उसे जीत हासिल हुई थी। इस बार कांग्रेस ज्यादा चाह रही है, जबकि आरजेडी पिछली बार की 9 सीट की जगह इस बार 8 सीट देने को ही तैयार है। बीच बिहार में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान चरम पर पहुंच गई, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस इस गठबंधन में 9 सीटों की डिमांड कर रही है और आरजेडी इसके लिए राजी नहीं दिख रही। माना जा रहा है कि इसी वजह से एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही कांग्रेस और आरजेडी के बीच दूरियां बढ़ गई, क्योंकि बिहार में दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर ऐसा लगा जैसे आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस ने 9 सीटों पर लड़ने की डिमांड की। दावा है कि कांग्रेस पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बेगूसराय, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, सासाराम और नवादा की सीटें चाहती है, लेकिन लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने उसे 6 सीट देने का मन बनाया हुआ था। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने कांग्रेस को यह साफ कर दिया कि वो समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा और किशनगंज से अपने उम्मीदवार उतार दे, क्योंकि आरजेडी पूर्णिया और कटिहार की सीट अपने पास ही रखना चाहती है। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूर्णिया और कटिहार की सीटों के लिए जंग लड़ने को उतारू नजर आई और इनमें भी सबसे तगड़ी टसल तो पूर्णिया की सीट पर दिखी। ये वो सीट है जो इस वक्त बिहार की सबसे चर्चित सीटों में एक है और वो इसलिए क्योंकि इस सीट पर गठबंधन की ही दो पार्टियों के बीच जंग सी छिड़ गई, क्योंकि पूर्णिया ही वो सीट है जहां से पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ हाल ही में जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती भी पूर्णिया से ही चुनाव लड़ना चाहती है। बड़ी बात यह कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव और बीमा भारती दोनों ने ही बड़ा बलिदान दिया है, क्योंकि पूर्णिया के लिए जहां एक तरफ बीमा भारती नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू छोड़कर आरजेडी में चली आई तो दूसरी तरफ पप्पू यादव ने तो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय ही करा दिया। हालांकि आरजेडी ने इस मामले में अपने इरादे साफ कर दिए। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी भी जरूरत से ज्यादा मतलब आपसी जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने तो पूर्णिया से चुनाव लड़ने को अपने लिए जीने मरने का मामला बता दिया। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। पप्पू यादव की यही जिद आरजेडी और कांग्रेस के बीच टकराव की वजह बन सकती है। और वही कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कटिहार पर दावेदारी ठोक दी है। न्यूज 18 की टीम से बातचीत में कटिहार से चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही। दावा यह भी किया कि अगर उन्हें मौका मिला तो फिर वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल तैयार तो है ही है,
अगर पार्टी तय करेगी कि हमको चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ने जाएंगे और पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए उन सीटों के बारे में बता देते हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस में इस वक्त ठन गई है, सीट शेयरिंग हो नहीं पा रही है। वो कौन कौन सी सीट है जिसके ऊपर दोनों ही पार्टियों के बीच में पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस को काराकाट चाहिए, इसके अलावा भी कुछ और सीटें कांग्रेस चाहती है, औरंगाबाद चाहती है, लेकिन आरजेडी औरंगाबाद की सीट भी कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है। पूर्णिया के ऊपर भी पेच अभी फंसा हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो तमाम वो सीटें हैं जिनके ऊपर पेच अभी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर काराकाट की हम बात करें तो ये लेफ्ट के खाते में सीट फिलहाल जा चुकी है। निखिल कुमार के लिए औरंगाबाद की सीट है, आरजेडी की तरफ से यहाँ उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया है, जबकि कांग्रेस अब भी इस सीट के ऊपर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। और जिस तरह से तारिक अनवर कटिहार से दावेदारी ठोक रहे हैं, उसी तरह पप्पू यादव पूर्णिया सीट के लिए अड़ गए, क्योंकि ऐसी खबरें आई थी कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल ही इसी शर्त पर हुए थे कि उन्हें पूर्णिया से ही चुनाव लड़वाया जाएगा। और इसी शर्त के साथ कुछ रोज पहले उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। लेकिन विलय से पहले ही पूर्णिया में एक रैली करके पप्पू यादव ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। उसी वक्त उन्होंने ये बता दिया था कि अगर कांग्रेस उनको पूर्णिया से टिकट देती है तो वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस से हरी झंडी मिलने के बाद ही पप्पू यादव अपनी पार्टी समेत कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि जिस पूर्णिया सीट के लिए उन्होंने जीने मरने की बात तक कह दी, उसी पूर्णिया के एक विधायक की हत्या के मामले में उन्हें सजा तक मिली थी। वो अलग बात है कि बाद में सबूतों की कमी की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया था। और इससे पहले पूर्णिया में लेफ्ट के विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और पप्पू यादव को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। बाद में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था, लेकिन लेफ्ट के विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में उन्होंने 12 साल जेल में बिताए थे। 2008 में इस मामले में दोषी करार दिए जाने की वजह से वो 2009 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाए थे और 2009 में पूर्णिया लोकसभा सीट से उनकी मां शांति प्रिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। 2013 में सबूतों की कमी की वजह से पप्पू यादव को बरी कर दिया गया था और इसके बाद वो 2014 में बिहार के मधेपुरा से चुनाव लड़े थे और मधेपुरा में पप्पू यादव ने जेडीयू के शरद यादव को हरा दिया था। वो 2019 में फिर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वो बिहार के मधेपुरा से चुनाव हार गए थे। और 2024 में पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी अपने गृह जिले में वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि 5 बार सांसद रहे पप्पू यादव पूर्णिया में 3 बार जीत चुके हैं। 1991 में उन्होंने वहां निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीता था। फिर 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर पूर्णिया में जीत हासिल की थी और 1999 में एक बार फिर पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो सांसद चुने गए। यानी पप्पू यादव पूर्णिया में किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े हों या फिर निर्दलीय, उन्होंने वहां जीत हासिल की और एक बार फिर उनके पूर्णिया से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई।